गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज हम लोग क्लास टेन के पहले चैप्टर रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में इस चैप्टर्स के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जाना, रियल नंबर होते क्या हैं, उनके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, हम लोग छोटा सा रिविजन उसका कर लेते हैं, देखते हैं। रियल नंबर की बात करें तो आपको छोटा सा मैंने वर्ड लिखा है कि ये जो रियल नंबर्स होंगे ये कंसिस्ट करते हैं जितने भी आपके रेशनल नंबर होते हैं और जितने भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं। इन दोनों का जो ग्रुप होगा उसको हम लोग यहाँ पे रियल नंबर के नाम से जान रहे हैं। क्लियर है? तो रियल नंबर क्या बोल सकते हैं, ऑल द रेशनल नंबर एंड ऑल द इरेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर। क्लियर है? अगर हम इसके बाद बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन अब रेशनल और इरेशनल नंबर में जो भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे इसके जो सबसेट्स होंगे उसके बारे में। अगर हम बात करें इसमें तो नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं। चलिए इसमें देखेंगे इन सारी चीज़ों का कहना क्या है। आपको लास्ट मैंने अपने क्लास 9 में पढ़ा नंबर लाइन्स के जरिए मैंने आपको समझाया था कि आफ्टर ऑल कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप जिसको इंटीजर बोलोगे, कौन सा नेचुरल नंबर होता है, कौन सा आपका होल नंबर होगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। तो वहाँ पर हम लोग फिर से देखते हैं कि आफ्टर ऑल वो था क्या, है ना। अगर हम बात करें तो एक छोटा सा आपका रिकैप चल रहा है, समझिएगा कि मैंने एक नंबर लाइन लिया और यहाँ मैंने जीरो लिखे, यहाँ प्लस आई मीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑन गोइंग एन तक ले लिया, या उनके नेगेटिव वैल्यू -1, -2, -3, -4 और माइनस एन तक डॉट। तो यहाँ पे चीज़ें क्या होती है, ये नंबर लाइन होता है जहाँ पर क्या होता है कि यहाँ इस जीरो वाले टर्म के राइट साइड में यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं और इस तरफ उनके नेगेटिव वैल्यूज होते हैं, है ना। तो यहाँ पे समझिएगा क्या होता है कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं यानी कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। और अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर देते हैं, है ना, ये जीरो के साथ साथ हमने क्या करा, नेचुरल नंबर को ऐड कर देते हैं, हम इसको बोलते हैं होल नंबर, है ना। और अगर हम बात करें, एक और वर्ड होता है जिसको इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर मतलब होता है कि जितने भी आपके होल नंबर है साथ ही साथ उनके नेगेटिव्स, साथ ही क्या उनके नेगेटिव्स, मतलब जैसे 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, उसी तरह से n का क्या होगा, -1 होगा। तो इन सबके ग्रुप्स को यानी कि द होल नंबर विद नेगेटिव्स, इनको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें। अब इसी की बात करें तो आपने एक और वर्ड्स पढ़ा है जो मैंने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कुछ चीज़ें कि नेचुरल नंबर्स को जो आपके काउंटिंग नंबर्स होंगे उसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, यानी जब कोई भी कैपिटल एन लिखते हैं इसका मतलब है कि आपको वहाँ पे नेचुरल नंबर्स लेने हैं। क्लियर? उसी तरह से होल की बात करें तो होल नंबर्स में क्या होता है, आपके जीरो के साथ साथ आपके नेचुरल नंबर आते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 .. इनफाइनाइट यानी एन तक, है ना। तो यहाँ पे हम इसको W से डिनोट करते हैं, यानी W लिख रहा है इसका मतलब होगा कि वो एक होल नंबर जो जीरो से शुरू होगा, है ना। इंटीजर्स की बात करें तो मैंने अभी बताया इंटीजर्स के साथ क्या होता है, द होल सेट ऑफ होल नंबर विद देयर अपोजिट्स, या फिर यहाँ पे इसका नेगेटिव समझिएगा, है ना, विद देयर नेगेटिव्स, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, जिसको हम आई या जेड से दिखाते हैं। कभी अगर नेगेटिव दिखाना रहे तो जेड नेगेटिव से, ठीक है, और पॉजिटिव दिखाना रहे तो एज इट इज रहने देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से ये नंबर्स हो गए। अब हम बात करते हैं रेशनल और इरेशनल की। रेशनल नंबर्स में आपको बताया गया था, रेशनल नंबर हम सबने एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन ऑलरेडी बहुत अच्छे से रट के रखा कि रेशनल नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो, जहाँ पे क्यू का बराबर जीरो नहीं होता, साथ ही साथ पी और क्यू दोनों के दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है, यहाँ पे मैंने अलग लिखा है कि नेचुरल रियल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिसको आप ए और बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ पे ए बाई बी होगा और बी के बराबर आपका जीरो ना हो, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डेसिमल में वो डेसिमल नंबर्स जो टर्मिनेटिंग होंगे, क्लियर, जो कि आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे उनको भी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि 1.23, 1.2, 1.54362, ये सारे के सारे ये भी रेशनल नंबर हैं। साथ ही साथ एक ऐसा डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, यहाँ समझिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हो गया जैसे अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 0.3333 ऑन गोइंग चलता रहेगा, है ना। और वहीं पे अगर हम बात करें 101 को आप 3 से डिवाइड करो तो ये भी कुछ हद तक जाके, जैसे हमने कह रहा 3 किया 9 बच्चा कितना 1, है ना,
फिर क्या आपका होगा, 1 3 3 9, फिर बचा 1, फिर 3 3 9, यानी कि 3 3 3 3 3 3 3 3 चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे अभी आप कर लो, तो मतलब चीज़ें क्या होंगी कि यहाँ आप कुछ इस तरह से समझिए कि जब कभी भी बात आएगी ऐसे नंबर सीरीज की जो कि आपका कुछ दूर तक जाके रुक जाए, कुछ दूर तक रुक जाके रुक जाए, मतलब कि एक फिनिट नंबर तक जाके वो अगर स्टेबल हो जाता, फिक्स हो जाता, यानी डेसिमल प्लेसेस अगर फिनिट होते हैं, फिक्स होते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो वो हो गया जो आपके रुके नहीं, जैसे कि ये ऑनगोइंग जा रहा है, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ 3 रिपीट कर रहा है खुद को, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। अगर कोई नंबर है जो खुद को रोक तो नहीं रहा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0.43214321 ऑनगोइंग जा रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पे ये रिपीटिंग नंबर्स नहीं है, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आपके इरेशनल का सीरीज हो जाता है, और जितने भी आपके रिपीटिंग होंगे, क्लियर है, और साथ ही साथ आपके क्या हो जाएंगे, आपके टर्मिनेटिंग होंगे, ये दोनों के दोनों आपके रेशनल नंबर के पार्ट हो जाते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया रेशनल इरेशनल। अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा, अभी नेक्स्ट सेक्शन में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, यूक्लिड का एल्गोरिथम है ना, ये क्या होता है, इसके बारे में ध्यान दीजिए। बेसिकली ये है क्या, अगर हम बात करें कि अगर हमने कोई एक ऐसा सेट ले लिया जहाँ ए और बी कोई इंटीजर्स है, जहाँ आपका ए के बराबर पी इंटू क्यू प्लस आर हो रहा है, तो ये जो भी बना रहा है ना, ये एक तरह का एक डिवीजन लेमा बना रहा है, लेमा बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जहाँ पे ए और बी क्या होता है, एक ऐसा यूनिट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है, और साथ ही साथ क्यू एक ऐसा यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जहाँ पे ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर हो, वेयर आर का वैल्यू आपका 0 से बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका, यूक्लिड एल्गोरिथम कहलाएगा। बेसिकली इसका काम क्या है ये समझिएगा, अगर इसकी बात करें ना, तो एक्चुअली में इस थ्योरम का इस्तेमाल हम सिर्फ करते हैं जनरली आपका सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता क्या है कि अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 26 एंड 39, है ना, तुम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो इसका एक फैक्टर होगा, है ना, ये 1 होगा, क्योंकि 1 तो सभी के फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन होंगे, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं आपके 1 हो, 2 हो सकता है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर कितना से, 13 से, है ना। अगर हम 39 की बात करें तो इसका 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 13 हो सकता है। तो यह बोला जाता है कि आपको करना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो फैक्टर निकालिए, वो एक ऐसा इन दोनों का फैक्टर निकालिए जो हाईएस्ट हो। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 13 है, यानी कि 13 से ज़्यादा इसके पास और कोई कॉमन नहीं है। और हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा दोनों के दोनों नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर के फॉर्म में क्या आएगा, 0 आएगा हमेशा, क्लियर है, समझ रहे। अगर हम यहाँ बात करें तो थोड़ा सा एलसीएम भी समझ लिए, एलसीएम का पूरा नाम हो जाता है, फुल फॉर्म हो जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसा, देखिए इसके कई मल्टीपल हो सकते हैं, अगर आप 26 × 1 करो तो ये तो खुद आएगा 26 × 2, 26 × 3, 26 × 4, 26 × 700, डॉट 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 आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दो नंबर्स का वो कॉमन मल्टीपल निकालिए जो क्या करे, आपका जिस वो जो मल्टीपल हो वो दोनों नंबर से डिविजिबल हो, और साथ ही साथ वो लोएस्ट भी होना चाहिए, क्लियर है। तो इस तरह से ये कर सकते हैं, है ना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे करना क्या है ना कि हम अभी देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके एचसीएफ को कैसे निकाला जाए। तो मैंने उसके लिए क्वेश्चंस रखा है, यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिया 135 और 225, इसमें एल्गोरिथम के मदद का हेल्प लेके आप कैसे एचसीएफ निकाल सकते हो वो समझिएगा। सबसे पहले पहला प्रोसीजर ये होगा कि आप यहाँ देखेंगे कि इन दोनों में ये जो दोनों नंबर्स है इनमें बड़ा कौन सा है ना, विच इज ग्रेटर। तो यहाँ पे आपको एज इट इज दिख रहा होगा कि 225 जो है आपका क्या है, ग्रेटर है 135 से, तो हम ना डिवीजन लगाना शुरू करेंगे,
डिवीज़न लगाएंगे कि 1, 2, 2, 5 को इस तरह से डिवाइड करते हैं, जहाँ पे मुझे मिल रहा है 135 इंटू 1 प्लस 40, है ना। या फिर कुछ इस तरह से समझिए कि 2 टू 5 को अगर हम 135 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में लगा 135, बच गया 90। देखना है कि अगर क्या यहाँ रिमाइंडर 0 के बराबर है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 0 के बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो अब हमारा काम होगा फिर से हम डिवीज़न लगाएंगे रिमाइंडर और डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा करेंगे 90 से 135 को डिवाइड करेंगे। सेम प्रोसीजर एक बार में लगाएंगे, यहाँ दिखता है 90 और यहाँ बच गया 45। यहाँ पर दिख रहा है कि r के बराबर 0 नहीं हो रहा है, है ना। तो ये तब तक प्रोसीजर करते जाना जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो, क्लियर। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से 45 और 90 में डिवीज़न लगाएंगे। तो 45 एंड 90, 2 टाइम्स 90, रिमाइंडर 0। अब यहाँ दिख गया कि r इज इक्वल टू 0। अब जब r के बराबर 0 हो जाए तब हम क्या करेंगे कि अपने इस प्रोसीजर को रोक देंगे। अब यहाँ से हमारा HCF निकल जाएगा। HCF होगा कौन, 2? नहीं, एक्चुअली में HCF होगा वो लास्ट वाला डिवीजर जहाँ से जिस पे आपने डिवाइड लगाया तो रिमाइंडर 0 आ गया। सो इसके आंसर होंगे 45। गॉट इट, ठीक है। इसके आंसर क्या होंगे, 45 होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कुछ और, कि अभी हम इसके बाद बात करें तो और कौन कौन सी चीज़ें होंगी। यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा डिवीजन दे दिया है, ये प्रोसीजर मैंने नोट करवा दिया जो अभी हमने क्वेश्चंस दिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अभी हमने क्या करा, आपके एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन उठाया जहाँ पे बोला जा रहा है कि सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ PQ+1 और PQ+3 एंड PQ+5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। यहाँ एक छोटा सा इशू है यहाँ क्वेश्चंस में, आप यहाँ पे ऑड ऐड कर लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ दिखाना है कि अगर क्यू कोई एक पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है तो वहाँ पर इसके PQ+1, PQ+3 और PQ+5 ये तीनों के तीनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे। क्या होंगे, ऑड इंटीजर होंगे, क्लियर। तो इसके लिए हम लोग ना यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। इसका काम क्या, याद रखिएगा कुछ इस तरह से कि लेट मान लेते हैं कि हम लोग क्या करा, q इज इक्वल टू सिक्स है तो यहाँ नहीं कि आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं। पॉसिबल रिमाइंडर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्लियर। 5 से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 6 होगा तो वो डिजिट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो पॉसिबल रिमाइंडर कितना हो सकता है, 0 से लेकर 5 तक। अब इसके नंबर से नंबर कौन कौन सा फॉर्म करेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6Q, 6Q+1, 6Q+2, 6Q+3, 6Q+4 एंड 6Q+5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी 6Q यानी कि ये एक इवन नंबर है सारा का सारा, और इवन में अगर 1 ऐड करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, ऑड फॉर्म करेगा। इवन में इवन ऐड करेंगे तो वो इवन फॉर्म करेगा, इवन में ऑड करेंगे तो ऑड फॉर्म करेगा, इवन में इवन ऐड करेंगे तो इवन फॉर्म करेगा, इवन में ऑड ऐड करेंगे तो क्या करेगा, वो ऑड फॉर्म करेगा। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, यहाँ बोला जा रहा था कि आपको दिखाना है कि 6Q+1, 6Q+3 एंड 6Q+5 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो यहाँ पे ऑड वाला कौन सा आया, 6Q+1, ऑड वाला कौन सा आया, 6Q+3, ऑड वाला कौन सा है, 6Q+5। तो क्लियर है कि इसके सिर्फ पॉसिबल यही तीनों हो सकते हैं, इसके अलावा और भी इसमें कोई दूसरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं होगा, क्लियर है। इतना अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, आगे थोड़ा सा चैनल को लाइव करें। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का, जिसमें बोला जा रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग करते क्या है, यहाँ पे जब बोला जा रहा है कि कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, तो मान लेते हैं कि देयर इज अ इंटीजर दैट इज a, ठीक है, क्या हमने लिया, ए लिया, और बी है जहाँ बी का वैल्यू 3 हो रहा है, ठीक है।
तो आपको पता है कि अगर b का वैल्यू 3 है जहाँ पे फॉर्म करें तो a इज इक्वल टू होगा b इंटू q प्लस r, है ना। अब r का पता है कि r जो होगा यहाँ पे वो 0 से बड़ा होगा पर 3 से छोटा होगा, है ना। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर हो सकते हैं 0, 1 एंड 2। इसकी मदद से अब a का बराबर क्या होगा, a का वैल्यू हो जाएगा आपका 3q, 3q+1 एंड 3q+2। बोला जा रहा है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमें क्या करना है इसका स्क्वायर निकालना। तो एक काम करते हैं ना, सबका स्क्वायर करते हैं। कब स्क्वायर करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9q2, इसको स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q2+1+6q। अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 3q+2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, a² + b² + 2ab के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा 9q² + 4+2ab 12q, है ना। काम करते हुए यहाँ देखेंगे, यहाँ एक चीज़ है मुझे पता चल रहा है कि ये जो हो रहा है ना, ये आपका 3 इंटू, हम इसको लिख सकते 3q² यहाँ हम लिख, अगर हम बात करें तो अगर इन 9q² + 6q + 1 में इन दोनों में अगर 3 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q² + 2q + 1 हो रहा है। अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं, 9q² कर लिया मैंने, प्लस 3 कर लिया, प्लस 12q कर लिया, और प्लस 1, ये जो 4 का 1 है मैंने उसको साइड में लिख दिया। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि इन तीनों में 3 कॉमन हो रहा है, तो मैंने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया 3q + 1+4q, और बाहर में क्या है आपका 1 बचा हुआ। यहाँ पे अगर हम बोले कि यहाँ अगर मान लेते हैं 3q² को हम k लिखें या आप m लिखो, है ना, इसको भी हम k या m लिखें, यहाँ भी k या m लिखें, तो यहाँ पे क्या फॉर्म बन रहा है, ये 3m, 3m+1 एंड अगेन 3m+1, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या मुझे दिख गया, यहाँ 3m आया, यहाँ 3m+1 आया, है ना। यानी हर बार देखा तो यहाँ पे सिर्फ दो ही फॉर्म बन रहा है, एक आपका क्या आ रहा है, एक आपका आ रहा है 3m और दूसरा आ रहा है 3m+1। यानी कि जब का ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर जो m हो, अगर हम उसके स्क्वायर को निकालें तो फॉर्म में होगा वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m+1 के फॉर्म होगा, ये ऑलवेज होगा। क्लियर है, समझ गए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगले क्वेश्चंस देखने के लिए हम लोग अगले स्लाइड पे पहुंच गए, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। स्लाइड नंबर m, तो चलो n पे आते हैं। वर इज एन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे HCF और LCM पे। LCF और HCF की बात करें तो हमने यूक्लिड डिवीजन का देख लिया, यहाँ से आपके एक्सरसाइज होप सो पहला क्लियर हो जाएगा। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर लीजिएगा। होमवर्क में ध्यान रहे कि आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क है कि आप जो पहला एक्सरसाइज है NCERT से, वो पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 ये कम्प्लीट आपका होमवर्क है, ये चीज़ ध्यान रहे। और बहुत लोगों के होमवर्क सबमिट नहीं हो रहे हैं, आप लोग 10th में हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस इस छुट्टी के टाइम पे, इस कोरोना वायरस के इशू के कारण जो बंद हैं उसके लिए ही आपको ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो इसका थोड़ा फ़ायदा उठाएं। और हाँ, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें अभी आपको बताई जा रही हैं इसको आप ध्यान से देखें, ऐसा ना हो कि लास्ट ईयर के जैसा सबको मुझे सेपरेट, हम सबको सेपरेट 1-1 घंटा अलग अलग टाइम देना पड़े। क्लियर। तो जो चीज़ें अभी बता रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए, हो सकता है ये फर्दर में आपको रिपीट ना करा जाए, फिर वीडियो ही से आप समझना होगा, तो अभी आप समझ लीजिए बेहतर होगा आपके लिए। तो एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए पूरा होमवर्क रहा, और फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और क्या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर HCF और LCM की बात करें तो एक इसका दूसरा तरीका होता है, एक तो हमने पहले निकालते हैं वो डिवीजन बेसिस पे,
अभी हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए कैसे निकाला जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हम बात करें तो यहाँ पे एचसीएफ निकालने का बहुत आसान सा तरीका होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी गिवन नंबर्स होंगे उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। सपोज हमने क्या करा, एक नंबर ले लिया कुछ इस तरह से कि नंबर है आपका 225 and 135 जो हमने वहाँ देखा था, क्लियर। इसके अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बात करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, अब डिवीजन कर लो ये वाला तरीका है ना, तो 225 को निकाले तो आपको 5 टाइम ये लगेगा 45, अगेन 5 टाइम 9, 3 टाइम 3 टाइम 1, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गया, 3 × 3 × 5 × 5, या फिर इसको लिख सकते 3 × 5 × 2, क्लियर। अगर हम 135 की बात करें तो 135 में क्या होगा, हम ना इसको अगर करें तो चलिए 135 को देख लेते, 135 को करें तो 5 × 27, 3 × 9, 3 × 3, 3 × 1, इसके फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 × 3 × 3 × 5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 to the power 3 × 5। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एलसीएम इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन से निकलेगा, तो इसमें देखिए कि आपको करना है क्या, आप निकालना क्या चाहते हो। अगर हम एचसीएफ निकालने की बात करेंगे तो नाम से क्या पता चल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 3 के अकॉर्डिंग मेरा कॉमन फैक्टर 3 to the power 2 हाईएस्ट है, और यहाँ पे इसमें तो पावर 2 है पर इसका पावर 1 यानी मैक्सिमम इतना ही निकलेगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चा, 3² × 5, आप इसको बोल सकते हो 9 to 5 = 45, जो हमारा लास्ट टाइम आया था जो हमने यूक्लिड डिवीजन से करा था। अगर एलसीएम की बात करें तो यहाँ से एलसीएम निकालने के लिए बहुत इजी होता है, आपको करना है क्या, इससे देखिए कि सबसे हाईएस्ट कौन सा निकले, तो सबसे पहले यहाँ पे तो देखिए कि दोनों में आपका 3² × 5 था, उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा, क्लियर। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, एक छोटा सा रूल होता है कि अगर दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है, तो अगर हम इसको बात करें, अगर ए इंटू बी की बात करें तो इसका ये जो वैल्यू होता है ना, ये उन दोनों के एलसीएम और एच सी एफ के मल्टीपल के बराबर होगा, क्लियर है। यानी दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकाले जाए तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे समझिएगा, अगर हम एलसीएम निकालने जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम मतलब हो जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ आप दूसरा तरीका, पहला तरीका तो आप ये कर सकते हो कि आप ये आपको आगे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे बनाने हैं कि आपको ये प्रूफ करना है कि आफ्टर ये चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें इन दोनों में, तो देखिए सबसे पहले कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स हमारा एचसीएफ के फॉर्म में क्या निकल गया, एचसीएफ के फॉर्म में आपका निकल गया 45, है ना, एचसीएफ के फॉर्म में क्या निकला, 45 निकल गया। अगर हम 45 को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो गया 45, तो हम अब क्या क्या बचा, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे 3 बच रहा है और यहाँ पे 5 बच रहा है, क्या बचा, 3 बचा और 5 बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उसका एलसीएम, क्लियर हमारा। यानी कि एचसीएफ आया, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या बचा, इसका एक 5 बच गया, इसका एक 3 बच गया, तो हमने क्या करा, इन दोनों को उठा के सीधा का सीधा एलसीएम में डाल दिया, ठीक है, ये हमारा एचसीएफ वाला पार्ट था, समझ रहे। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए एलसीएम और एचसीएफ को निकालना। इससे रिलेटेड आपको फर्दर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें क्या करना है, आपको ये भी दिखाना है कि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, और साथ ही साथ आगे के क्वेश्चंस में, फर्दर क्वेश्चंस में आपको ये भी मिलेगा कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ लिखा है ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही, आप सारे अभी तक के जितने क्वेश्चंस दिए गए वो आप कर लीजिए, होमवर्क जल्दी से आपके ग्रुप में दे दिया जाएगा, आपको उसको कंप्लीट करना एज सून एज पॉसिबल नेक्स्ट 24 आवर विद इन आपको जमा करना, जो कि आपका डेड इन टाइम हो जाता है कल के, कल कौन सा दिन है, कल आपका हो जाता है मंडे, मंडे को आपको एटलीस्ट मैक्सिमम 2 बजे तक होमवर्क सबके सबमिट हो जाने चाहिए, क्लियर। 2 बजे तक होमवर्क सबके सबमिट हो जाने चाहिए जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दे रहा हूँ, क्लियर। तो चलिए, कीप सेफ, स्टे हैप्पी, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।